हाँ तो दोस्तों, ये प्रश्नावली शिक्षण संग्रह मॉड्यूल पर आधारित है। इसमें कुल 25 प्रश्न हैं और सभी प्रश्न अपने आप में उम्दा किस्म के हैं। आप इन प्रश्नों को जरूर देख लीजिए। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न देखिए, आपके सामने दिख रहा है, आपकी स्क्रीन पर है। शिक्षा के बिना जीवन का अधिकार अपूर्ण है, यह निर्णय किसका है? राज्य सरकार का, यूनिसेफ का, केंद्र सरकार का या उच्चतम न्यायालय का? तो दोस्तों, मेरे हिसाब से इस प्रश्न का आंसर आना चाहिए उच्चतम न्यायालय का। फिर अगला प्रश्न देखिए, आपके सामने है। लेख सुंदर होने के साथ साथ ही सुनने तथा सुनकर समझते हुए लिखने की दक्षता के विकास के लिए प्रत्येक दिन कक्षा 3 से 5 के छात्रों को कम से कम कितने पृष्ठ सुलेख एवं श्रुतलेख लिखवाया जाए? एक एक पेज, दो दो पेज, एक दो पेज या 3-2 पेज? तो इसके हिसाब से, क्योंकि ये कम से कम कह रहा है, तो यहाँ पर हम पहला आंसर लगाएंगे। इसका जवाब विकल्प नंबर 1 होगा। फिर आप देखिए आगे, शैक्षिक नेतृत्व के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। हम अपने शक्ति प्रदर्शन से सभी को नियंत्रित करें और आदेश दें तथा सभी से बलपूर्वक मन मुताबिक काम करवाएं। हम अपने अथॉरिटी अर्थात प्राधिकार दिखाते हुए सभी को निर्देश दें कि उन्हें यह काम करना जरूरी है, अन्यथा उनके विरुद्ध कार्रवाई करवाई जा सकती है। हम जिन कार्यों को दूसरों से करवाना चाहते हैं उन कार्यों को स्वयं बेहतर तरीके से करें। फिर शैक्षिक नेतृत्व के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। हम अपने शक्ति प्रदर्शन से सभी को नियंत्रित करें और आदेश दें तथा सभी से बलपूर्वक मन मुताबिक काम करवाएं। हम अपने अथॉरिटी अर्थात प्राधिकार दिखाते हुए सभी को निर्देश दें कि उन्हें यह काम करना जरूरी है, अन्यथा उनके विरुद्ध कार्रवाई करवाई जा सकती है। हम जिन कार्यों को दूसरों से कराना चाहते हैं उन कार्यों को स्वयं बेहतर तरीके से करें। फिर अपने सहयोगियों को प्रेरित करते हुए सबके साथ मिलकर लक्ष्य प्राप्ति हेतु प्रयास करें, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 ये सही होना चाहिए। फिर अगला प्रश्न है, गुमसुम सी अलग बैठने वाली दिव्यांग बालिका मीना के लिए आप किस प्रकार की शिक्षा का प्रबंध करेंगे? मीना के लिए अलग गतिविधियां और शिक्षण योजना बनाएंगे, समावेशी शिक्षा देंगे, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध करेंगे, केवल इंटेंडेंट टीचर के द्वारा पढ़वाएंगे? तो यहाँ पर बताना चाहूँगा दोस्तों कि इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, समावेशी शिक्षा देंगे। फिर अगला प्रश्न आता है, हेल्पलाइन नंबर पुलिस 100, फायर ब्रिगेड 101 और वुमन हेल्पलाइन 1090 तीनों से संपर्क करने के लिए किस इंटीग्रेटेड नंबर पर सहायता मांगी जा सकती है? 139, 112 या 108? तो यहाँ पर जो इंटीग्रेटेड नंबर है ये है 112, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट है। फिर अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, विद्यार्थीवार लर्निंग आउटकम तालिका में संबंधित विषय के सहायक अध्यापक के द्वारा अंकित छात्रों की संख्या से प्रधानाध्यापक द्वारा प्रति सप्ताह कितने छात्रों की प्रगति की जांच कर प्रमाणित की जाएगी? 6, 10, 12, 8? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी 10। अगला प्रश्न देखेंगे, कलरव 3 में दी गई मुर्गा कहानी मुर्गा और लोमड़ी के पात्र मुर्गे में कौन सा जीवन कौशल गुण मौजूद नहीं है? निर्णय लेना, समस्या समाधान, भावनाओं पर नियंत्रण या समभाव? तो मेरे हिसाब से इस प्रश्न का राइट आंसर है समभाव, चौथा विकल्प। फिर आगे बढ़ते हैं, बच्चों की शैक्षिक प्रगति में सुधार का आंतरिक मूल्यांकन करने हेतु प्रधानाध्यापक शिक्षकों के साथ बैठक करेंगे प्रत्येक सोमवार को, प्रत्येक बुधवार को, प्रत्येक शनिवार को, माह के द्वितीय सोमवार को? मेरे हिसाब से तो प्रत्येक जो है, बच्चों की शैक्षिक प्रगति में सुधार का आंतरिक मूल्यांकन करने हेतु प्रधानाध्यापक शिक्षकों के साथ बैठक करेंगे प्रत्येक शनिवार को होना चाहिए। दोस्तों, आप जो है इस प्रश्न का राइट आंसर आप ढूंढ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ मुझे कन्फ्यूज़न हो रहा है, इसका आंसर मुझे सही नहीं लग रहा है, फिर भी आप एक बार इसको चेक कर लीजिएगा जरूर। अगला प्रश्न है, बच्चों में लर्निंग आउटकम की प्राप्ति के लिए प्रभावी शिक्षण और प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षण योजना बनाना महत्वपूर्ण चरण है, शिक्षण योजना के साथ कक्षा शिक्षण में क्या नहीं होगा? विषय वस्तु के किस अंक पर कितना समय देना है के साथ शिक्षण सामग्री की उपलब्धता रहेगी?
शिक्षण की प्रक्रिया रोचक गतिविधिपरक व चरणबद्ध ढंग से चलेगी। आकलन शिक्षण के साथ जारी रहेगा एवं कमजोर बच्चों को काम में सहायता दी जाएगी या बच्चों में बेचैनी झलकेगी व नाटकीय ढंग से चुप रहेंगे। तो इस प्रश्न का यही जवाब है आपका चौथा विकल्प यहाँ पर सही होगा। फिर आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, पूर्व माध्यमिक विद्यालय कौढ़ियार की छात्रा काजल का सपना डॉक्टर बनना है, शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? काजल को बताएंगे कि क्या तैयारी करनी होगी और कौन सी चुनौतियाँ आएंगी, चुनौतियों के समुचित समाधान हेतु योजना तैयार कराएंगे, स्थानीय डॉक्टर को बुलाकर उन्होंने अपने सपने को कैसा पूरा किया को साझा करने और काजल के प्रश्नों का जवाब देने के लिए कहेंगे। तो यहाँ पर सभी विकल्प आपके सही हैं, यानी उपर्युक्त सभी। फिर आगे बढ़ते हैं, कक्षा में बच्चों के अंदर सीखने के लिए स्वयं की धारणा और व्यक्तिगत नियंत्रण अधिगम के स्वदायित्व बोध क्षमता से संबंधित प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी में कौन सा अक्षर है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, यानी कि यहाँ पर आर होगा, स्वदायित्व बोध क्षमता अधिगम, ये आर है। अगला प्रश्न देखिए, किसी प्रोजेक्ट कार्य के लिए मूल सवाल चुनने के बाद शिक्षक का दूसरा कदम क्या होना चाहिए? प्रोजेक्ट के लिए पठन पाठन सामग्री जुटाना, प्रोजेक्ट के लिए विभिन्न गतिविधियों की सूची बनाना, या पता लगाना कि बच्चे कौन सी संकल्पनाओं को जानते हैं और कौन सी संकल्पनाओं पर काम करने की जरूरत है, पाठ्यक्रम के उन संकल्पनाओं के हर बिंदु पर गहराई से विचार करना जिन पर प्रोजेक्ट कार्य किया जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम चौथा विकल्प टिक लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं, परीक्षाओं के आयोजन में मौखिक एवं लिखित कार्यों का निर्धारण करते समय कक्षा 5 में मौखिक एवं लिखित कार्यों का प्रतिशत कितना होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 है, 30 और 70, ये टिक करेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, समुदाय के सदस्यों की विद्यालयी क्रियाकलापों में सुद्देशपूर्ण नियमित और रचनात्मक उपस्थित के दृष्टिगत SMC और PTM बैठक कब की जाती है? प्रत्येक माह के द्वितीय बुधवार एवं तृतीय सोमवार को, प्रत्येक माह के प्रथम बुधवार एवं त्रैमासिक द्वितीय सोमवार को, प्रत्येक माह के प्रथम बुधवार एवं प्रथम सोमवार को, प्रत्येक माह के प्रथम बुधवार और तृतीय माह के प्रथम सोमवार को। तो यहाँ पर हम जो है चौथा विकल्प लगाएंगे। इस क्वेश्चन में भी थोड़ा कंफ्यूजन है, आप इसका आंसर चेक कर लीजिएगा तब आप संतुष्ट होइएगा। अगला प्रश्न है, दीक्षा एक्ट पर चल रहे प्रशिक्षण बच्चों की बातचीत प्रोफेसर NK जागीरा द्वारा विकसित प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी के किस नंबर के अक्षर से संबंधित है? तो दीक्षा एप पर चल रहा प्रशिक्षण बच्चों की बातचीत यानी परस्पर बातचीत जिसे कहते हैं नेगोशिएशन, यानी NN का मतलब 14वां है, यहाँ विकल्प आपका दूसरा सही है। फिर है, प्रतियोगिता गोष्ठी सेमिनार प्रदर्शनी मेला कार्यशाला आदि के उद्देश्य लक्ष्य समूह प्रभाव क्षेत्र फैलाव अवधि लागत स्वरूप स्थान क्रियाविधि आदि का ढांचा तैयार करने को कहते हैं नियोजन आयोजन प्रबंधन क्रियान्वयन, यानी यहाँ पर ढांचा तैयार करना है, लागत का ढांचा, कितना लागत लगेगी, क्या स्वरूप होगा, क्या स्थान होगा, अवधि कितनी लगेगी, प्रभाव क्षेत्र फैलाव ये सब कितना होगा, इन सारी चीज़ों मेरे हिसाब से तो यहाँ पर आयोजन या नियोजन होना चाहिए था, लेकिन मैं यहाँ पर इस प्रश्न का जो आंसर है उसमें प्रबंधन को लगाऊंगा, आप इसको चेक कर लीजिएगा। स्मार्ट लक्ष्य निर्धारण में SOT से आशय है स्टूडेंट और टाइम टेबल, स्कूल और टीचर, स्पेसिफिक और टाइम बाउंड, सक्सेस एक्सपीरियंस और TLM। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सही है, स्पेसिफिक और टाइम बाउंड। चलिए आगे बढ़ते हैं, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम का संक्षिप्त परिचय शिक्षण संग्रह के किस भाग में है? तो इसका चौथा विकल्प सही होगा क्योंकि यह जो है 6ठे भाग में है। अगला प्रश्न है, पढ़े भारत बड़े भारत के आलोक में अध्यापक कक्षा के बच्चों को हर सप्ताह पुस्तकालय की पुस्तकों को देखने व पढ़ने का अवसर प्रदान करेंगे, बच्चे को प्रत्येक सप्ताह कम से कम कितनी पुस्तकें निर्गत की जाएंगी? 1, 2, 3, 4, तो इसका पहला ही सही है, कम से कम एक पुस्तक। अगला प्रश्न है, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बाल संसद एवं मीना मंच के गठन का उद्देश्य है, सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें, सांस्कृतिक एवं खेल कूद गतिविधियों के आयोजन में प्रतिभागिता को बढ़ावा देना, जीवन मूल्यों का विकास, व्यक्तित्व विकास, नेतृत्व क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता एवं सही गलत स्पर्श की समझ का विकास, विद्यालय में जल स्वास्थ्य शिक्षा पुस्तकालय आदि का समुचित प्रबंध करने में सहायता करना, विद्यालय परिसर में संदौरीकरण पेड़ पौधे क्यारियों को ध्यान रखना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। फिर
महेश जी कक्षा एक एवं दो के छात्रों से छोटी बड़ी चीजों को चुनने माला फिर उन्होंने जमीन बालू पर आड़ी तिरछी रेखा खींचने आकृतियां बनवाने के कार्य करते हैं, इससे होगा कापी एवं चाक की बचत, बच्चों की सूक्ष्म मांसपेशियों का विकास, व्यवसायिक दक्षता का विकास, अवनीश जी को आराम करने का अवसर मिलेगा। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही है, बच्चों की सूक्ष्म मांसपेशियों का विकास होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, कमलेश एवं सुरेश अंतर्मुखी एवं संकोची प्रकृति के छात्र हैं, इनकी रुचियां, क्षमताओं, अभिव्यक्ति, आत्मविश्वास, प्रभावी नेतृत्व आदि कौशलों के विकास के लिए किस तरह का आयोजन किया जाना चाहिए? नवाचार का आयोजन, सामुदायिक सहभागिता का आयोजन, सह शैक्षिक गतिविधियाँ, कॉन्सेप्ट मैपिंग का। तो यहाँ पर तीसरा विकल्प सही होगा, सह शैक्षिक गतिविधियाँ। फिर अगला प्रश्न है, मदन कक्षा चार में हिंदी का शिक्षण करते समय जस्ट अ मिनट गतिविधि वस्तुओं के नाम लिखी पर्ची उठवाकर छात्रों से एक मिनट बोलने के लिए कहना करवा रहे हैं, शिक्षण योजना में इस कार्य को उन्होंने सम्मिलित किया है, शिक्षण की शुरुआत में, सीखने सिखाने की सामग्री में, शिक्षण के दौरान, शिक्षण के बाद। तो ये होगा शिक्षण के दौरान, ऑप्शन नंबर तीन। फिर है, कक्षा कक्ष में किए गए शैक्षिक प्रक्रिया को व्यवस्थित ढंग से दर्ज करने और आगे के काम को नियोजित करने में महत्वपूर्ण है शिक्षण योजना, प्रेरणा तालिका, शिक्षक डायरी, आकलन प्रपत्र। यहाँ पर ऑप्शन नंबर तीन सही होगा आपका, शिक्षक डायरी। बौद्धिक, भावनात्मक, शारीरिक, सांस्कृतिक, सामाजिक विकास जैसे व्यक्तित्व के समग्र विकास का आकलन कैसे करेंगे? सतत एवं व्यापक आकलन द्वारा, रचनात्मक आकलन, गुणात्मक आकलन द्वारा, ए और बी दोनों द्वारा, मात्रात्मक आकलन द्वारा। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही होगा आपका, ए और बी दोनों द्वारा। तो दोस्तों ये रहे आपके 25 क्वेश्चन, इसमें दो तीन क्वेश्चन हमें कन्फ्यूजन वाले हैं, उनके आंसर आप चेक कर लीजिएगा प्लीज़। आशा करता हूँ वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार।